हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई हो बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग कुछ आज का दिनचर्या पूरा, क्योंकि कहीं बाहर जाने का बाहर कहीं जा नहीं सकते, इतना धूप में पॉसिबल नहीं होगा। बाप रे बाप, इतना ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा। जब गाँव में जब इतना गर्मी लग रहा था, बाहर में तो पूछो ही मत। जब ये आया चिकन रुको बना के चिकन चिली का जो फ्राई होता है, इसको पहले हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। कुआं में गिरते गिरते बची बना रहे चिकन, मतलब हमको खिला रहे मनाने के लिए। मम्मी भी हंसने लगी। तो जब पागल है जब तक गिर जाती है। इतना मिर्चा है? नहीं, सारा मसाला है। इधर अदरक लहसुन सब शामिल। बस चिकन पकौड़ा पोहा का रेसिपी कैसा लगा बताइएगा आप लोग। क्या देख सकते, देखने में तो कोई भी नहीं बोल सकता कि खराब है। मजा आ गया खाकर। पता नहीं पकौड़ा कैसे बनाएगी। इसको फ्राई करेंगे बस। टमाटर ठीक है। क्या डालना है? दूध डाल दीजिए। कितना अच्छा से फोड़ लेते हैं, उनमें से फूटता ही नहीं है। उसी में चार बोल क्यों? नहीं, दो ही डाली, छोड़ दीजिए। तेल डालिए, फ्राई कीजिए। मम्मी धनिया पत्ता और छोड़ दीजिएगा। और ज्यादा बड़ा बड़ा हो गया। इतना सारा धनिया, प्याज, लहसुन, मिर्ची सब मिक्स। रिफाइन से बनाइएगा, सरसों तेल इसमें यूज नहीं होता है। ना रुको, रिफाइन से ही बनता है सब। गाइस, बनने के बाद देख सकते हो आप कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखने में, और खाने में तो और मजा आएगा। तुरंत टूट गया ये मच्छी के जैसा। ओहो, पूरा टेस्टी। वाह रुकू, वाह। दे दो, ज्यादा तीखा होगा तो फिर चलेगा। वाह, थैंक यू रुकू, बहुत टेस्टी बनाई है। क्या बोले? सच में बोल रहे, बहुत टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है। आप लोगों को भी चिकन पकौड़ा खाना है तो इस तरह से बनाइए। लाल लाल बनने के बाद कितना खूबसूरत। तो
रुको, हम लोग के लिए बना रही है चिकन पकौड़ा, तो उसके लिए ला दिया टेस्टी। देखो 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 समोसा। मम्मी के खाओ मम्मी। तो गाइस ये रहा रुको के हाथ के चिकन पकौड़ा, और ये चटनी, चटनी में धनिया का चटनी, टमाटर मिक्स, धनिया पत्ता, लहसुन, मिर्ची, प्याज। रुको खाने जा रही है सब। थैंक यू रुको, तो लो अपना ब्लॉग पकड़ो जाइए, बाय।